39,418 किलोमीटर। ठीक है, इस गाड़ी में काफी सारे हम काम कर रहे हैं, और जैसे कि क्लच का काम कर रहे हैं हम इसके अंदर, टैपेट सेट करेंगे इसकी, ठीक है, थ्रॉटल बॉडी साफ करेंगे इसकी। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें पॉइंट ये है कि इसमें इंजन में बड़बड़ बड़ आवाज आ रही है। कस्टमर को किसी ने टाइमिंग चेन का बताया कि इसमें खराब है, पर टाइमिंग चेन इसमें खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसका जो साइलेंसर का बोल्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो लूज पड़ा है, देखो दिखाता हूँ मैं आपको अलग से ताकि आपको पता रहे एग्जैक्टली कि है क्या। देखो यार, जो सच होता है ना वो कस्टमर को बताने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि काम करने में ना भरोसा सा फील हो जाता है कि हाँ यार चल हम काम कर रहे हैं भरोसे वाला, ठीक है ना। अब ये हमारी अलंकी ले ली मैं 5 की, मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या, आवाज़ क्यों आ रही है, इसी की आवाज़ को लेकर कस्टमर को बता दिए। देखो ध्यान से देखना, ये देखो, देख रहे हो भाई ये लूज पड़े हैं, और उधर का भी लूज पड़ा, ऐसा नहीं है उधर का भी लूज पड़ा, ये देखो देख रहे हो, ये देखो। अब इस इन दो बोल्टों के लूज होने की वजह से इसके इंजन में बड़बड़ बड़ा आवाज आने लगी, जिसकी वजह से कस्टमर को का डायमेंशन बता दी खराब है। इतना बड़ा धोखा करते हो भाई आप लोग, मैं तो हैरान हूँ यार, कैसे कर लेते हो यार आप लोग, कि रोटी पच जाती है आपको, मेरे को तो हैरानी होती है यार। साइलेंसर का बोल्ट लूज पड़ा है और साइलेंसर के बोल्ट लूज में आपको डायमेंशन खराब बता दी, मतलब हैरान हूँ। ठीक है, फटाफट और भी चीज़ दिखाता हूँ मैं, और क्या क्या है अंदर, और क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका जो इंडिकेटर है ये नहीं डालना है, इसको चिपका देंगे ऐसे करके, ठीक है ना, क्योंकि बजट नहीं है। चैन सेट खराब है पर इसको हम ऐसे ही सेट कर देंगे, खराब है पर कस्टमर का बजट नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके अलावा बॉडी की पूरी सेटिंग करनी है, थ्रॉटल बॉडी साफ करने के बाद टैपेट सेट करने है, क्लच की असेंबली वगैरह डालनी है अगर खराब हुई तो। ठीक है, वैसे खोल के देख लेते जो भी है, और आगे की ब्रेक ना कुछ इस तरीके से काम कर रही है, कंपनी में ब्रेक सूट डलवाए हैं, और देखो ये, देखो ये ब्रेक है, और जब हमने चेक करी ना बारीकी से तो ब्रेक के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर इसकी ब्रेक की जो केबल है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, और कस्टमर ने ब्रेक दबाई डलवाई है, ब्रेक सूट डलवाए कस्टमर ने, कस्टमर को बोला गया है कि भाई आप एक काम करना इसको ना धीरे धीरे चलाना, धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगी, ये बोला गया कस्टमर को। मतलब मैं तो हैरान हूँ यार, कैसी कैसी बातें होती हैं यार। तो फटाफट से हम पूरी गाड़ी कैसे खोल लेते हैं, खोलने के बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई देखो, फ्लैश लाइट की मदद से ही वीडियो बन रही है, क्योंकि लाइट चले गई है, सब गोरे लड़के काले हो चुके हैं, और ये जो गाड़ी का जो चैम्बर है इस द्वारा ये बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये बहुत ज़रूरी था आपको दिखाने के लिए। और इसकी जो क्लच की हालत है ना भाई, कसम से कह रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे कि इंजन का भी फ्लश हुआ ही नहीं है। तो लो इंजन के फ्लश के ऊपर एक मिनट बात कर लेते हैं भाई, इंजन फ्लश के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि ऐसी हालत अगर रहेगी ना इंजन की तो भाई साहब कुछ फ़ायदा नहीं है यार किसी चीज़ का। और पहले इंजन फ्लश के ऊपर बात करते हैं, फिर उसके वजह से खोलेंगे। इंजन फ्लश इसलिए किया जाता है, इंजन फ्लश ना करने से हमारी गाड़ी के जो इंजन में जो भी कचरा वगैरह बन जाता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं ना, तो डिटॉक्स करने का रीज़न क्या होता है, हमारी बॉडी में जो कचरा होता है वो सारा निकल के डिटॉक्स से बाहर आ जाता है, हमारे जो भी बाहर का एरिया होता है उसकी वजह से। ठीक है, तो यही एक इंजन होता है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप इंजन के अंदर ऑयल डलवा रहे हो टाइम टू टाइम, ऑयल डलवा रहे हो टाइम टू टाइम, चेंज करा रहे हो, तो बिल्कुल बेटर, मतलब बेटर है, बेस्ट है। ठीक है, अगर बाई चांस आपकी गाड़ी बरसात में चल गई और आपकी गाड़ी में इंजन में कीचड़ बन गई है, बहुत ज़्यादा गंदगी बन गई है, ये बात आपको नहीं पता लगेगी, क्यों, क्योंकि आपकी गाड़ी आप चला रहे हो, आपको सिंपल सा पता ही है कि हाँ भाई गाड़ी चल रही है, बरसात में चला रहे हो, बरसात का महीना है, टाइम हो गया आपकी गाड़ी में बरसात चलने का, और आपकी मोटरसाइकिल में एक लोड पड़ रहा है, एक पिकअप वाला वाइब्रेशन आ रही है, तो समझ जाओ आपकी गाड़ी का आपको इंजन चेक कराना है, इंजन को ऑयल को निकाल के। ऑयल की जो एक थिकनेस होती है वो बहुत ज्यादा कीचड़ जैसी लग रही है, काले काले लग रही है, ऑयल आपने डलवाया था लाल कलर का निकल रहा है, एकदम काला काला कीचड़ जैसा, तो आपकी गाड़ी के इंजन को फ्लश की बहुत ज्यादा जरूरत है, बस यही एक रीजन है। अगर आप फ्लश नहीं कराओगे तो आपकी गाड़ी के जो बैरिंग होते हैं चैम्बर के, ईट जो होते हैं वहाँ पे धीरे 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 करके कचरा बनते जाएगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में क्या होगा, धीरे धीरे चैम्बर बहुत ज्यादा गंदगी बनने की वजह से चैम्बर बोल जाएगा, मतलब एक तरीके से इंजन बोल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो भाई फाइनली जो इस गाड़ी का टैपेट का सेट होना था मामला, वो टैपेट से हमने सेट कर दिए हैं। टैपेट सेट करने के लिए हमने ये वाला बोल्ट खोला है, यहाँ पर टी मिलाया है, और उसके बाद ये दोनों कैपें खुली हैं और यहाँ पर टी मिलाया है। इसके टैपेट हमने रखे हैं 6 और 8। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ डिटेल में 6 और 8 हमने टैपेट क्यों रखे हैं। टैपेट हर बाइक के अलग अलग सेट होते हैं, बट ये BS6 बाइक है, इसके टैपेट कुछ इस तरीके से सेट किए जाते हैं ताकि लूज रहे टैपेट। 6 और 8 ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा मेथ है। अगर आपके पास एक नई बाइक है और या फिर पुरानी बाइक है, पुरानी ज़्यादा बाइक है आपकी, तो आपको टैपेट हल्के से ज़्यादा टाइट रखने पड़ सकते हैं, और अगर आपके पास एकदम ब्रांड न्यू बाइक है तो हल्के से लूज रख सकते हो आप, क्योंकि जो एक नई बाइक होती है उसमें सारे पार्ट्स नए होते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू, तो आप अपनी गाड़ी के टैपेट लूज भी रखोगे तो उससे कोई आवाज़ को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपकी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है तो आपकी गाड़ी में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो खिंच चुके हैं, कट चुके हैं, तो आपको गाड़ी को हल्का सा टैपेट टाइट रखना पड़ता है। अभी गाड़ी में 40,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, 40,000 के हिसाब से मैंने इसके टैपेट 6 और 8 रखे हैं। इसका सिंपल सा रीज़न है, गाड़ी गर्म होने में भी आवाज़ ना करें और आपकी गाड़ी की आवाज़ की भी स्मूथनेस हो जाए। जब ये गाड़ी आई थी तो बहुत ज़्यादा टाइट थे इसके टैपेट, और जिसकी वजह से गाड़ी में, और हाँ एक चीज़ और, अगर BS6 में टैपेट टाइट रहेंगे तो भी गाड़ी में गड़गड़ गड़गड़ गड़ आवाज़ आएगी, गाड़ी सेट नहीं होगी, पिकअप बहुत ज़्यादा कम रहेगा गाड़ी में, तो ये आपको ध्यान देना है। BS4 या BS3 गाड़ी होती तो उसके टैपेट मुश्किल से 3 या 4 mm रखते हैं, 0.03 mm, 0.04 mm
इस तरीके से रखते हैं, पर BS6 में टैप इट ज़्यादा लूज रखने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू, डिपेंड करता है इंजन की कंडीशन के ऊपर और इंजन की लेंथ के ऊपर, इंजन की लाइफ के ऊपर, इंजन की परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। ये सारा मेथ होता है, आप अपनी बक्सों की जो मैनुअल होती है ना, जो सर्विस बुक होती है, इसमें लिखा होता है कि टैप इट कितने mm पे रखने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार अपने वर्कशॉप में मैनुअल से देख सकते हो या फिर आप गूगल में चेक कर सकते हो, जो भी गूगल में दिखा रहा है उससे हल्का फुल्का डिफरेंसेस आपकी गाड़ी में आपको टैप इट पर रखना है। ऐसा नहीं कि आपको कंपनी ने बता दी इतने पर रखना तो आपको उतने पर रखना, नहीं, जहाँ पर बाइक सेट होती है वहाँ पर आप टैप इट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी वाले एक अप्रॉक्सीमेटली आपको एक अनुमान दे देते हैं, हाँ भी ये टैप इट हम डिसाइड करते हैं, बाकी चलने के बाद गाड़ी के टैप इट की सेटिंग थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, खोलते हैं क्लच। तो क्लच के बारे में बात हो चुकी है, फ्लश के बारे में बात हो चुकी है और टैप इट के बारे में बात हो चुकी है। थ्रोटल बॉडी हमने साफ नहीं करी है क्योंकि हमें सबसे पहले इसे इंजन ओके करना है, उसके बाद थ्रोटल बॉडी साफ करेंगे। तो फटाफट क्लच खोलते हैं इसका। क्या बात है, जबरदस्त यार, बिना औजारों के तो यार काम अधूरा सा लगता है, मतलब है ना। देखो इसके ना पहले भी इसके क्लच को खोल रखा है, इसके क्लच, एक सेकंड, इसके क्लच को पहले भी खोल रखा है, कस्टमर में खुलवा रखा है, और उसके देखो इंजन की नट की हालत कैसी करके छैनी है थोड़े से, देख रहा हूँ। ये देखो भाई साहब, मैं दिखाता हूँ इस साइड से, ये देखो नज़र आ रहा है आपको कुछ, ये दिख रहा होगा आपको, ये देख रहा हूँ यहाँ चोट मार रखी है बंदे ने। अब ये जो चोट मारी है ना बंदे ने, ये बहुत गलत मारी है, ऐसे नहीं मारनी चाहिए, गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। उस भाई को मैं बोलना चाहूँगा ऐसा मत करो भाई। और ये क्लच की प्लेटें बाहर निकालते हैं, देखते हैं क्लच की असम्बली कैसे, उसके बाद धो धा के चमकाएंगे इसको, ठीक है ना। देखिए कैसी हालत है इसकी क्लच की, अरे बाप रे, तो बहुत बेहतर फूट गई है भाई, ओरिजिनल लग रही है मुझे तो यार ये, पर इतनी बुरी हालत में तो देख के हैरान हूँ यार। पानी में चलाई गाड़ी है ना, हाँ तभी तो पानी में चलाई गाड़ी है, बहुत बुरी तरह इसके फूकी है, वो खुद बोल रहा था ना बंदा, पानी में चलाई, करोल बाग में गाड़ी चलाता है बंदा, स्विगी में काम करता है, तो अभी बहुत ज़्यादा गंदगी इसकी छी यार, कितना ज़्यादा, मतलब एक उंगली मार के देखी उसमें भाई साहब, ये देखो ये हाल है भाई, ये देख रहा हूँ मलाई एकदम रसमलाई निकल रही राजू है ना, हाँ मलाई देखो, मलाई बोल रहा राजू इसे चाटी हो जरा से मैं क्यों चाटूंगा, मैं थोड़ा ना चाटूंगा भाई मेरे को तो मज़े ही आ जाएगा चाटूंगा तो मैं, ठीक है भाई। ये जिस मकैनिक, जिसने बंदे ने फूकी है ना, उसको बड़ा मतलब देखाऊंगा ना मैं, बड़ा अफसोस सा होगा, तो उस कस्टमर को मैं बुला के दिखाता हूँ एक बार और आपको मैं बाद में मिलता हूँ, पहले धुल दूँ इसको, धुल के चमका देता हूँ। क्लच की असेंबली डल चुकी है, पूरा क्लच का कंप्लीट क्लीन हो चुका है यार। ये सारा काम करने में ना बड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि रगड़ के पूरा साफ करना पड़ता है, और ये सारी गंदगी है, और ये वाला बुरुस हमने यूज इस्तेमाल किया, ये मैंने बुरुस वो वाला नहीं लिया जो पुताई उताई करते हैं, ये बुरुस के दांते अगर आप चेक करोगे ना तो गौर से देखो, ये बहुत अलग है, प्लास्टिक वाले दांते इसमें लगे हुए हैं, किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आप इसे खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। और हमने इसमें पेट्रोल का इस्तेमाल किया, पेट्रोल में थोड़ा सा हमने ऑयल डाला ताकि इंजन के अंदर कोई प्रभाव ना आए, ठीक है। तो बोल्ट फटाफट टाइट कर, जल्दी टाइट करो भाई, भाई साहब राजू ने हिला दिया पूरा मामला है, राजू हिला देता है, पहले राजू का पेट नहीं था, अब देखो कितना पेट भर आ गया, 9 महीने का 8 महीने का है अरे बाप रे, लाइट फिर से चले गई, लाइट जाने का बड़ा दुख होता है यार, फ्लैश ऑन करना पड़ता है। तो जो कोई नहीं, इसको फटाफट से पैक करते हैं और टैप इट वगैरह तो ही गए, सारा कुछ पैक करने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। Detail. गाड़ी की ब्रेक भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई, सारा काम हो गया, ट्राई मैंने ले ली है, एक बार कस्टमर भी ट्राई ले लेगा। ये देखो ब्रेक मारो ना, फर्स्ट क्लास ऊपर आ रहा है, क्योंकि इसकी ब्रेक केबल की खराब हो गई थी, वाली जो केबल होती है ये हमने चेंज कर दिया। भाई गाड़ी की ट्राई ले लो यार, बड़ी कृपा होगी यार आपकी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है भाई, ट्राई ले रहे बोलो यार, ऐसी कितनी गाड़िया बढ़िया लग रही है गाड़ी भाई को, एक बार ट्राई लेके बताओ, हैंडल भी हल्का टेढ़ा था मैंने सीधा कर दिया, ठीक है भाई। बाकी इसका इंडिकेटर और इसकी हेडलाइट वेडलाइट जो दाम में करावे नया डलवाना है, ठीक है भाई, एक बार ट्राई लेके बताओ कैसे गाड़ी भाई, ट्राई लेके देखते हैं। पिकअप विकअप सब चेक करो बारीकी से एकदम भाई, हाँ तो भाई कैसी चल रही गाड़ी, पिकअप वगैरह सही है। एक चीज़ आपने नोटिस करी, आवाज़ पहले बड़बड़ बड़बड़ बड़ आवाज़ आ रही थी, पहले से काफ़ी सही, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गई है। आपको कैसी लग रही है आवाज़, बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है ना, मस्त। हुआ क्या था ना, इसके सिलेंसर में ना बोल्ट जो है ना लूज हो गए थे, जिस चक्कर में इसकी आवाज़ बंद हो गई थी, हाँ ये नीचे वाले, और मैकेनिक ने आपको बताया टाइम इंजन खराब है, टाइम इंजन की आवाज़ यार एकदम साइलेंट गाड़ी है, बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया है भाई। इसका ये जो काम झाम है ना, ये बहुत बदला लग रहा है, तो इन्हें डलवा लेना, ठीक है भाई। टाइमिंग चेंज नहीं करानी है, आपके मन में बहुत बड़ा भ्रम बिठा दिया उस मैकेनिक ने, टाइमिंग चेंज को सेट कर दिया। कितनी ओर से लेगी अभी गाड़ी, 40,000 किलोमीटर चल चुकी है, आपने टाइमिंग चेंज कब डलवाई आज तक, नहीं अभी नहीं, अभी भी जरूरत नहीं है, 40,000 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी सेटिंग कर दी है गाड़ी की। टैपेट बहुत लूज थे, किसी गलत तरीके से सेट हो रखे थे, और क्लच फुका हुआ था,
कीचड़ घुसी हुई थी, आपको पता ही यार, देखा ही था आपने सब कुछ। और इस गाड़ी में सबसे बड़ी पॉइंट की बात है, साइलेंसर के बोल्ट लूज पड़े थे बहुत बुरी तरीके, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है बड़बड़ बड़बड़। और आपको उस मैकेनिक ने बता दिया कि टाइमिंग चेन खराब है, पर टाइमिंग चेन बिल्कुल ठीक है। अब आपको टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही है गाड़ी में? नहीं नहीं, अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर क्यों डलवा रहे हो टाइमिंग चेन? पैसा बहुत है? नहीं नहीं, अगर बहुत है तो बता देना मेरे को, ठीक है भाई? चलो ठीक है भाई, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।